यू 8 बजे से कम जो होते ना ट्रैक्टर फ्री चल तेरे लिए इसके सोनालिका से कम ना के जा आज यही भाई ले चल ले पिटने वाला ब्रांड नहीं है स्वराज है स्वराज है हल्की मत ले चलो अरे मुंह बचा के लो जी लो ये देखो भाई नमस्कार भाई स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई आज है दो ट्रैक्टर, एक नया मॉडल स्वराज 744 XT और भाई पुराना मॉडल है 855 FE। भाई गेयर है इसमें लो हाई और ये है लो मीडियम हाई। तो भाई कुछ भाइयों का कहना यू है कि इनकी स्पीड का पता ना पड़ पाता गियरों में स्पीड कैसी है। तो भाई आज स्पीड टेस्ट कराऊंगा कि दोनों ट्रैक्टरों की जो अलग अलग गियरों में है चाल कैसी है, सामने वाली और पीछे वाली भी चेक कराएंगे एक बार। तो भाई अमित भाई कौन कौन से गियर में कराओगे? पहले हाई के गियर में करवाएंगे। अच्छा पहले के हाई। वैसे स्पीड के बारे में थोड़ा बताओ, तुम तो चलाते रहो दोनों ट्रैक्टर घर पे हैं। यू पहले के हाई में थोड़ा मंद चला है, यू वाला पुराना वाला यू 855 ही। हाँ भाई वैसे एक चीज बताऊं, ये पुराना ट्रैक्टर ना है भाई, ये भी 2023 मॉडल ही है। हाँ ये 3-4 महीना पुराना ही है, बस लास्ट वाला ही मॉडल मानियो बिल्कुल, जब ये लास्ट रह गए और ये फिर अभी लेके आए, 1 महीना ही पहले लाए। हाँ लगभग दिवाली पे निकाला है। जीतने की बात ना चल रही आज, आज सिर्फ चाल की टेस्ट है। हाँ RPM 10-10 कर लियो, 10-10। हाँ और चलाओ भाई मात्र 10 की RPM पे और तब चल, बराबर कर लियो बिल्कुल, ट्रैक्टर बराबर कर लो बराबर। हाँ चलो चल दिए भाई, पहले का हाई में देखते रहियो भाई, देखो 855 निकल गया और 10 की RPM है, ये देखो भाई कितना अंतर दे रहा। तो भाई ये अंतर रोटावेटर और इम्प्लीमेंटों पर देखने को मिले है, जिससे क्या है कि जुताई पे ही फर्क आवे। भाई रोक लो, आगे को लाओ, आगे को, आगे को। अच्छा यहाँ की चाल कौन से मैच कर जाएगी, मतलब जैसे पहले का हाई में है तो ये तीसरे के मीडियम में, भाई इसकी चाल मैच कराएंगे अब, ये पहले का हाई में और वो तीसरे के मीडियम में। चलो दस की, दस की। चलो देखो भी वो थर्ड के मीडियम में है और ये पहले के हाई में ही चल रहा, तो भाई उसकी चाल ज्यादा है तीसरे के मीडियम में, भाई XT की ज्यादा है और ये 855 की थोड़ी सी कम है। ये देखो भाई अब कौन से में चलाओगे, दूसरे का हाई में और वो भी दूसरे का हाई में। हाँ। दूसरे का हाई में देखियो भाई, घुमा लो दूसरे का हाई में दिखाएंगे भाई। दूसरे का हाई और 10 RPM। हाँ दूसरे का हाई में 10 RPM कर ली। चलो अरे मुंह बचा के भाई, दूसरे का हाई में देखो फिर वो तेज निकल गया, ये देखो भाई और इसकी चाल देखो, ये देख लो भाई। तो भाई कितना अंतर है लो मीडियम में और लो मीडियम हाई में। तुम कौन से में लगा रहे हो? यो तुम
तीसरे का हाल में है भाई। लो जी लो। भाई तीसरे का हाई में देख लो, बस थोड़ी सी कम है 855 की। अब की बार टॉप के हाई में और देखेंगे भाई। अब की बार टॉप के हाई में देखेंगे भाई। ये देखो भाई, ये टॉप के हाई में देखो भाई, वह उसकी तो बहुत ज्यादा चाल है। दूसरे के लो में भाई देखो, सभी गियरों में दिखा रहे हैं किस किस गियर में कितना अंतर है। ये देखो भाई, ये दूसरे के लो में ये चाल है भाई 855 एफ ई की, पुराने वाले मॉडल की। अब तीसरे का लो लगवा दिया उसमें। ये देखो भाई, ये दूसरे के लो में, ये तीसरे के लो में, अच्छा सेम चाल है लगभग। सेम चाल है, सेम चाल है इनमें तो लगभग। अच्छा हाँ, यही तो कह रहा हूँ, दूसरा और तीसरा ये अंतर है। अच्छा बैक में भी कुछ अंतर है, बैक में और देखेंगे कि बैक में क्या मामला है। बैक में और देख लो भी, बैक गियर में, बैक में भी थोड़ी ज्यादा अभी 855 की। तो भाई लो मीडियम हाई का हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ये फायदा है। बस रोक लो, मैं ये दिखा रहे हैं कि लो मीडियम और लो मीडियम हाई में क्या अंतर है। अब थोड़ा आप अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चालों से क्या अंतर पड़े। इन चारों में ये है, रूटावेटर के लिए कहते हैं स्पेशल ट्रैक्टर है ये, बेहतरीन। अच्छा रूटावेटर के लिए इसका तोड़ नहीं है। हाँ। क्योंकि रूटावेटर क्या है कि हमें कभी कभी कहीं कहीं बारीक जुताई करनी पड़ती है, कहीं घास ज्यादा होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है। हाँ, बहुत सारी कंडीशन आम है, बहुत सारी कंडीशन आम है। हाँ। कभी ऐसा होता है कि हम फ्रेश मानने चाह रहे हैं कि जूता हमने टेलर चला रखा है और कहीं फ्रेश फ्रेश मानने चाह रहे हैं, बिल्कुल मिलाना चाह रहे हैं, बस बिल्कुल बिल्कुल बीज मिलाना चाह रहे हैं। उस समय जो ये ट्रैक्टर बहुत समय लगा देता है जुताई करते वक्त, ये जल्दी समय हमारा ये अपना कम समय में निकल जा, समय की बचत। हाँ, उससे तेल की भी बचत है, डीजल की भी। हाँ, बहुत अच्छी है कि डीजल भी बचेगा और समय बचेगा, समय बचेगा, हमें समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम कॉमर्शियल काम करते हैं, हम बिल्कुल भाड़े का काम, भाड़े के काम के लिए हमें ये ज्यादा बेस्ट, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि अपना काम में तो कितना भी समय लग जाए। हाँ, कितना भी समय लग जाओ, मानो 20 मिनट फालतू लग जाओ तो भी कोई दिक्कत ना, काम कर रहे हैं उसमें ये अच्छा है, क्योंकि हमारे डीजल आज की डेट में। हाँ, जहाँ आप पूरे दिन मानो 100 बीघा जुताई कर रहे हो, 60 बीघा कर रहे हो, तो वहाँ इससे 10-20 बीघा फालतू निकाल लोगे, तो वो फायदा कहीं ना कहीं हो जाएगा, उतने ही डीजल पे, उतने ही डीजल। हाँ, ये फायदा, ये फायदा। अच्छा नितिन भाई तुम बताओ कैसा लगा यार ट्रैक्टर, लगा जी भाई साहब, इसलिए तो निकाल आया मैंने। अच्छा तुम्हारे पास जो लो मीडियम भाई, उसकी चाल का क्या मामला आज? चाल का? हाँ, वो तो तुम पूछो, उसका सही है, वो कोई दिक्कत ना है। चाल ऐसी है उसकी भी? ना, इससे तो तेज है। तेज है? अच्छा, इससे तेज है, पहले लो मीडियम हाई में इससे तेज ना है, यही सिस्टम सेम ही सिस्टम होगा, लगभग यही चाल बना के दे रही है। पहले के मीडियम में इससे तेज चला मेरा, तेज चला, पहले के मीडियम में चला के देखना इसे। हाँ, पहले के मीडियम में चला लिया, पहले के मीडियम में चला था, मीडियम में 8 बीघे ना ट्रैक्टर फ्री चल तेरे लिए। इसके सोनालिका से कम ना के आज वही ले चल रहे हम, यहाँ पे भी बच्चा 55 है, यहाँ पे भी ले।
लो भैया इनमें भी बहस हो रही, चला भैया मीडियम में देख चाल। पहले के मीडियम में सही है, भाई पावर का अंतर हो सके, चाल तो सेम ही है, हाँ भाई ताकत का अंतर हो सके। सोनाली का चलाया कर चलाया मैंने, क्योंकि भाई 55 थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर हो जाए इससे। दूसरी बात मैंने इसका चलाया रोटावेटर पे भी, अच्छा इसने भी चलाया भी ना, वैसे ही कहते इसने जिन्हें चाल कम है वैसे ही बिना देखे। अमित भाई चाल तो यार आईसर 551 की भी ज्यादा, आईसर 551 की ज्यादा तो कहीं ना कहीं उसका इंजन दब जाता है, दब जा 855 की मामले में या 745 HT के मामले में कहीं ना कहीं ड्रॉप मार जाता है, ड्रॉप मार जा, तो उस वजह से मैंने आईसर। अच्छा जो पुराना 744 XT है तुम पे, उसकी चाल तो लगभग सेम इसके बराबर ही होगी, उसमें कुछ अंतर है? लगभग सेम इसमें, इसके बराबर ही, वो तो वही गियर बॉक्स है ना। हाँ सेम ही गियर बॉक्स। अच्छा अब एक चीज और बताओ, जी जैसे मानो साइड शिफ्ट दिया स्वराज ने, जी जी, और ये सेंटर शिफ्ट है, जी जी, तो गियर बॉक्स कौन सा दमदार? बढ़िया थक जा आदमी। अच्छा तो जैसे कभी इस पे बैठो तुम, कभी इस पे बैठो तो यार बड़ा कंफ्यूजन होता होगा मेरे को गियरों में, मैं इसमें बीच में ढूंढने लगता हूँ और उसमें जो है साइड में ढूंढने लग जाता हूँ। हाँ ये चक्कर है, कंफ्यूजन हो जाए। वैसे ये साइड शिफ्ट में भी आ रहा है ये वाला मॉडल? साइड शिफ्ट में आ रहा है, ये हमने गलती कर दी, साइड शिफ्ट में 15 स्पीड में लेना चाहिए था। हाँ यही वाला मॉडल है सेम, मतलब पुराने वाला भी आ रहा है लो मीडियम हाई में, वो तो पैसे भी लगा हुए भैया, गलती कर दी हो तो। तो भाई देखो ये थी शानदार वीडियो, आपको मैंने वीडियो में सभी गियरों में चाल दिखाई ट्रैक्टरों की, और किसान भाई ने भी काफी शानदार जानकारी दी दोनों ट्रैक्टरों के बारे में। तो भाई वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और भाई स्वराज के लिए वीडियो के लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।